गुड मॉर्निंग। आज का लेसन है पोर्ट्रेट स्टडी एंड टुडे वी आर गोइंग टू मेक एन इमेजिनरी पोर्ट्रेट। यू कैन कॉपी और यू कैन ड्रॉ अ लाइव पोर्ट्रेट ऑल्सो, बट आज के लिए हम लोग एक नॉर्मल पोर्ट्रेट बनाएंगे जिससे आपको पोर्ट्रेट स्टडी में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसका कुछ एक आइडिया हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद द पोर्ट्रेट एंड साइड बाई साइड मैं आपको बताती रहूँगी। तो सबसे पहले हम आई से शुरू करेंगे, आईज ड्राइंग के बाद ही हम नोज ड्राइंग एंड लिप्स ड्राइंग पर आएंगे। जब आप आई से कोई ड्राइंग स्टार्ट करते हैं तो आईज और आई लैशेस से आईब्रो से उसका हर एक फीचर का गैप कितना है आपको वो ध्यान देना होगा। तो आईज बनाने के बाद ही बाकी ड्राइंग्स को आप उसके डिस्टेंस को लेते हुए ड्रॉ करिए। बहुत ईजी है इस तरीके से काम करना, बिकॉज आपको अब मेजरमेंट क्या लेना है कि आईज से सारी चीज़ों का गैप कितना है। तो नोज एंड लिप्स के बाद इसके चीक बोन्स एंड चीक्स एंड चिन, इन सब की ड्राइंग के बाद हम हेयर स्टडी पर आ जाते हैं। और रफली बिल्कुल ड्रॉ कर रही हूँ, जहाँ गड़बड़ हो यू कैन ईजिली इरेज मेनी टाइम्स। और ये हेयर के लिए कैमरा में जूम करके और मूव करके दिखाऊंगी जिससे आपको आसानी हो जाए। और साइड बाई साइड आपको मैं सारे मटेरियल्स के बारे में भी बताऊंगी कि मैं मटेरियल इसमें क्या क्या यूज़ करूँगी। अब ये मैंने पोर्ट्रेट को थोड़ा छोटा कर लिया है, ड्राइंग स्टार्ट विद एच बी पेंसिल। और ये सारे गैप्स को आप देखिए पेंसिल मेजरमेंट के साथ कि कहाँ से क्या कितना गैप रखना है मुझे, ये जो भी मेरे माइंड में है। ये चाकुल एंड सम पेंसिल्स विद वाइट चाकुल एंड ब्लैक चाकुल। और अब हम हेयर पे ब्लैक चाकुल और चाकुल पेंसिल से प्लस डार्क पेंसिल से हम हेयर की शेडिंग से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हेयर शेडिंग करने का मेरा क्या रीज़न है कि एक काम आप पूरा करते चलिए, बिकॉज़ अगर मैं आईज पहले बना लेती हूँ फिर मेरा हैंड मूव करता है ना, भले मैंने एक टिश्यू यूज़ कर रखा हो, तो वो रबिंग से शीट ब्लैक हो जाती है। तो डिटेल स्ट्रोक्स आप देखिए, जहाँ से जैसे आपके बाल हेयर मूव कर रहे हैं उनका जैसे एक मूवमेंट है, एक फॉल है, उसी फॉल को आपको शेडिंग में भी लाना है। उसको बिल्कुल फॉलो करते हुए चलिए और इट विल टेक टाइम। वीडियो मैंने काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड करी है, फास्ट फॉरवर्ड करने का रीज़न भी यही है, इसकी स्पीड बढ़ाने का रीज़न यही है कि आपका टाइम कम लगे। तो अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो बहुत फास्ट है, प्लीज़ मैसेज मी एंड डेफिनेटली फिर मैं डिटेल वीडियो पोस्ट कर दूंगी। बिकॉज मुझे लगा कि पोर्ट्रेट बनने में टोटल लगे थे 54 मिनट्स और उसको 300% स्पीड बढ़ाने के बाद भी ये 24 मिनट्स के करीब की वीडियो मेरी जा रही थी। हाँ 24 मिनट लग गया था वीडियो में, फिर मैंने उसको और स्पीड बढ़ाई कि आप लोगों का टाइम कम लगे जिससे आप कम टाइम में सीख पाए। स्टिल किसी बच्चे को लगता है कि भाई हाँ बहुत ज़्यादा स्पीड है, आई एम नॉट गेटिंग द पॉइंट कि मुझे कहाँ से क्या करना है, तो यू कैन पॉज द वीडियो और यू कैन डीएम मी, तो मैं आप लोगों को डिटेल वीडियो भी पोस्ट कर दूँगी। आई हैव नो इशू विद दैट। इसमें वैसे मैंने कोई चीज़ अभी कट नहीं करी है और बस ये था कि हाँ पार्ट्स में शूटिंग हुई है तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको लगे कि बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई हैं, तो आप मुझे प्लीज़ बोल सकते हैं और देखते रहिए। पार्ट्स में शूटिंग की वजह से जैसे कुछ पार्ट्स बनाए हैं फिर दूसरा स्टार्ट कर दिया, तो अगर आपको लगता है कि वीडियो बहुत फास्ट है प्लीज़ लेट मी नो और फिर मैं आपको डिटेल वीडियो भी पोस्ट कर दूंगी। अब आपको देखो करना क्या है, पहले आप ये देखो कि मैम जो है हेयर शेडिंग के लिए स्ट्रोक्स कैसे लगा रही हैं। सेम चीज़ें जब आप ब्रश वर्क करोगे ना आपको वहाँ पर भी काम आएगी। वैसे पोर्ट्रेट स्टडी सिर्फ मैं स्किल करने के लिए सिलेबस में ऐड कर रही हूँ, अदरवाइज पोर्ट्रेट स्टडी जो है केवीएस सिलेबस में नहीं है, एंट्रेंस में भी पोर्ट्रेट स्टडी नहीं है। तो पोर्ट्रेट स्टडी करने का रीज़न क्या है, पोर्ट्रेट स्टडी करने का ये रीज़न है कि आप ड्राइंग को हर लेवल से समझो, हर लेवल से इंजॉय करो। ओके, तो आ जाते हैं पोर्ट्रेट स्टडी पे। और फोटोग्राफ से अगर आप पोर्ट्रेट स्टडी करते हैं तो सबसे आसान तरीका है, ये मैं ज़रूर बता दूंगी। आप देख रहे होगे साइड बाय साइड में, काम पर भी नज़र रखिए मेरी बात सुनने के साथ साथ, मैं वाइट चाकुल से भी मैंने हाईलाइट दिया है। अब ये मत कहना कि मैम बाल वाइट नहीं होते, हम लाइट मीडियम डार्क को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं, बिकॉज ग्रे शीट मैंने यूज़ करी है। और ये जो पेंसिल्स मैं यूज़ कर रही हूँ दीज आर चाकुल पेंसिल्स, स्टार्टिंग में ही मैं इनका आपको एक क्विक व्यू दिखा चुकी हूँ कि मैं ये मटेरियल यूज़ करूँगी। तो चाकुल पेंसिल नंबर्स के साथ भी आती है, लाइट मीडियम एंड हार्ड के हिसाब से भी पेंसिल्स मिलती हैं, तो आप अकॉर्डिंगली अपनी ज़रूरत के हिसाब से चूज़ करिए मटेरियल। और ब्रांड में कोई सजेस्ट नहीं करूँगी, आप कौन सा ब्रांड चूज़ करिए। और आप नॉर्मल चाकुल पेंसिल देखिए, आपको 3-4 ब्रांड्स अवेलेबल हो जाएंगे जो भी इंडिया में मिलते हैं, और उनसे आप काम करना शुरू करिए।
और हेयर मुझे लग रहा है अभी भी इतना फास्ट करने के बाद भी कि इट विल टेकिंग टू मच टाइम, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, करते हैं हम काम. और मुझे लगता है कि हाँ बच्चों को काफ़ी कुछ इससे सीखने के लिए मिलेगा. और नेक्स्ट किसी फोटोग्राफ से या किसी को सामने बैठाकर हम बनाएंगे एक और पोर्ट्रेट. उसके बाद मैं कुछ कंपोजिशंस पोस्ट करूँगी जिससे, और एक लाइफ स्टडी का सेशन भी मैं लूँगी, बिकॉज लाइफ स्टडी एंड कंपोजिशन जामिया का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आएगा और स्टिल लाइफ स्टडी प्लस कंपोजिशन कॉलेज ऑफ आर्ट्स के एंट्रेंस एग्जाम में आएगा. तो जब दोनों प्रैक्टिकल हो जाएंगे तो जो बच्चे ट्वेल्थ में हैं, ट्वेल्थ का एग्ज़ाम देके एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको भी ज़रा आसानी हो जाएगी. और अगर आप इतना भी पोर्ट्रेट स्टडी बनाना सीख लेते हो तो लाइफ स्टडी में या आपके कंपोजिशंस में जब आप फेस बनाना शुरू करते हैं तो फेसेस बनाते हुए भी आपको आसानी होगी. ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ दिस इज़ कॉल्ड चाकुल स्टिक, ठीक है. तो चाकुल स्टिक जब आप लगाते हो तो एक साथ डेप्थ देने के काम आता है. तो पेंसिल से, चाकुल पेंसिल से या नॉर्मल डार्क पेंसिल से 8B HB मैंने यहाँ पर यूज़ करी है, सॉरी 8B और 6B HB मैंने ड्राइंग के लिए यूज़ करी है. तो वो करने के साथ साथ आप फिर आप डेप्थ डालिए बिकॉज वो लाइंस आपके हेयरलाइन को अच्छे से कवर कर चुकी हैं और डेप्थ जो है वो आपके बालों का एक फ्लो दिखाएगा कि कहाँ से ओवरलाइन ओवरलैप कर रहा है. वाइट चाकुल फॉर हाइलाइटिंग. और ये हेयर ऑलमोस्ट बन तो गए हैं, बस मैं इसमें थोड़ा सा और वॉल्यूम देने के लिए, अभी नहीं थोड़ा आगे मैं इसमें ऐड कर दूंगी, ठीक है. और ये हमारा हाइलाइटिंग. पहले तो मैंने ये सोचा था कि चलो आपको जस्ट ड्राइंग दिखा देते हैं और साथ में एक बैकग्राउंड म्यूजिक डाल देती हूँ और मैं कुछ नहीं बताती साइड बाई साइड. फिर मुझे लगा नहीं, बच्चों से बात करते रहते हैं मज़ा आता है मुझे भी. चाकुल स्टिक, ठीक है, देखते चाहिए, बहुत मज़ेदार काम है अगर आप इन्जॉय करके काम करोगे. बेटा मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, पोर्ट्रेट आप एक साथ जब बैठो तो कंप्लीट करके ही उठो, पोर्ट्रेट को टाइम टू टाइम नहीं छोड़ो. आप देख पा रहे हो मेरे हाथ से ब्लैक फैल रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर गलती क्या करी, मैंने यहाँ पर पेपर छोड़ दिया. एक शीट रखनी ही रखनी है जैसे स्टार्टिंग में मैंने करते हुए रखा था, उसके बाद ही शुरू करना है. अब ये मैं हाईलाइट के लिए, स्किन हाईलाइटिंग के लिए और डेप्थ के लिए थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगी कि कहाँ पर मुझे लाइट रखना है, कहाँ पर मुझे डार्क रखना है. अब हम लेयर वाइज शेडिंग करना शुरू करते रहें. ये बड़ा ब्रश आप मर्जिंग के लिए मत लेना, ये तो जस्ट मैंने क्लीनिंग के लिए यूज़ कर लिया, मैं छोटे ब्रश से ही स्मज करूँगी. थोड़ी सी स्मजिंग टिश्यू पेपर के साथ. स्मजिंग में एक चीज़ बता देती हूँ, क्लाउड के अलावा, स्किन के अलावा बाकी जगह आप यूज़ करते हो तो इसको नेगेटिव भी, बहुत ज़्यादा स्मजिंग नेगेटिव काउंट होती है, तो आप लोग स्मजिंग बहुत ज़्यादा करने से बचिए. और स्मजिंग करनी है तो टिश्यू मैंने यहाँ पर शीट की वजह से फिर भी यूज़ कर लिया, बट आप ब्रश से स्मज करिए, इट वुड बी ओके, ठीक है. और नोज़ ड्राइंग्स को एक बार आप दोबारा से निकालने की कोशिश करिए, तो जब आपका ड्राइंग फिर से आ जाएगा हल्का सा, फिर आप शेडिंग शुरू करेंगे तो ड्राइंग आपकी ख़राब नहीं होगी. जो भी आपके माइंड में या सामने फीचर है आप उसको अच्छे से बना पाएंगे. ये ले लिया मैंने पेपर क्योंकि मुझे लगने लगा कि हाँ भाई शीट ज़्यादा गंदी हो रही है. अब हम शुरू करते हैं आई से. मैं पहले यही करूँगी, मैं फीचर्स की शेडिंग निकालूंगी हेयर के बाद. आप सीक्वेंस अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं. और जूम करके मैं आईज़ की शेडिंग दिखा रही हूँ, जिन बच्चों को फीचर स्टडी में नहीं समझ आया था मे भी यहाँ पर समझ में आ जाए. देखिए ये डबल लाइन, वाइट हाईलाइट हम यूज करेंगे. और शेडिंग का पोर्ट्रेट स्टडी में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है. बिकॉज अगर आपकी ड्राइंग कितनी भी अच्छी बनी है, आपकी शेडिंग पूरे कैरेक्टर को चेंज कर सकती है. तो शेडिंग करते हुए प्लीज माइंड में रखिए कि हमें ड्राइंग को ध्यान में रखकर ही शेडिंग करना है. और आप देख रहे होंगे कि आईब्रो स्टडी, फीचर स्टडीज़, आईज नोज लिप स्टडीज़ जो मैं अर्लियर लेसन्स में ले चुकी हूँ उनका कितना ज़्यादा यूज़ है यहाँ पर. बिकॉज अगर वो चीज़ें आप नहीं सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, आप यहाँ पर नहीं कर पाएंगे.
और ये चीज़ मुझे आपको बिल्कुल बतानी चाहिए। आप देख रहे हो बिकॉज हाथ फेस पर आ रहा है, हमने अगर हम चाकुल नहीं भी यूज़ करते, हम पेंसिल से भी काम करते हैं, तब भी स्लाइटली स्मज होता है, शीट्स आपकी गंदी होती हैं। उससे बचने के लिए आप एक पेपर रखिए और उस पेपर पे ही काम, शेडिंग वगैरह पे आपका जो हाथ पड़ता है वो उस पेपर पे पड़ेगा तो ज़्यादा सही रहेगा। जहाँ गड़बड़ लगे प्लीज इरेज, रिकंस्ट्रक्ट, रीड्रॉ, टाइम लगाइए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अच्छा बनेगा। और एक और चीज़ बता देती हूँ कि जहाँ आपको ये लगने लगा कि मेरी ड्राइंग परफेक्ट है, मैंने बहुत अच्छा काम किया है, वहीं पर आपका ग्रोथ रुक जाएगा। आई एम सो सॉरी टू टेल यू दैट। एक आर्टिस्ट को अपना वर्क जो है वो कभी भी कंप्लीट या परफेक्ट नहीं लगना चाहिए। एंड तक आपको लगना चाहिए हाँ मेरी पेंटिंग में, मेरी ड्राइंग में कहीं कुछ कमी है। जो आर्टिस्ट, जो आर्ट प्रैक्टिस अपनी ड्राइंग पेंटिंग में कमी निकालना सीख गया, उससे बेस्ट आर्टिस्ट दुनिया में कोई नहीं। अगर आपको ही अपना काम आउट ऑफ द वर्ल्ड लगने लगा, भाई ये तो बेस्ट वर्क इन द वर्ल्ड है, तो आप ये समझिए कि आपका ग्रोथ वहीं रुक गया, फिर आप कुछ करने के काबिल नहीं बचेंगे, आप काम भी नहीं कर पाएंगे। तो आप अपने कामों में कमी निकालिए, आप खुद ढूंढिए कि हाँ मैंने यहाँ गलत किया है, मुझे यहाँ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जैसे मुझे ये पोर्ट्रेट बिल्कुल पसंद नहीं है, बट यहाँ पर पोस्ट करने का रीज़न क्या है कि बच्चे कुछ नया सीखेंगे। अगर यहाँ पर टीचिंग एस्पेक्ट्स नहीं होता तो मे बी मैं ये पोर्ट्रेट यहाँ पर पोस्ट नहीं करती। और आइज़ पे सारा काम करने के बाद जब हमें लगने लगी कि हाँ हमारी आइज़ काफ़ी लेवल तक ठीक हो गई हैं, वैसे फिनिशिंग तो देखो एंड में भी होगी, जब आप पूरा बनाने के बाद देखोगे तब आपको पता चलेगा क्या चीज़ें टेढ़ी निकली हैं, क्या सीधी निकली हैं। तो आइज़ के बाद हम नोज़ पर आ जाएंगे। और नोज़ आप लाइन से प्लीज़ मत निकालिए। लाइन से निकालने का मतलब है कि नोज़ में शार्प लाइन नहीं डालना है, आपको लाइट डेप्थ एंड शेड के थ्रू ही नोज़ की ड्राइंग को निकालना है। आप साइड में तिरछी लाइनों के साथ लेयर बाई लेयर ड्राइंग निकालिए विद द हेल्प ऑफ शेड। तो शेडिंग के साथ ही आप निकालिए, नॉस्टल के पास का डेप्थ देना है, साइड पे काम करना है। आप कोशिश करिए कि लाइंस का कम से कम यूज़ हो, तभी आपकी नोज ड्राइंग निकल कर आएगी, तभी आपको मज़ा आएगा। नोज स्टडी ऑलरेडी जिन बच्चों ने नहीं देखा है, पीछे के लेसन्स में जाइए, वहाँ जाकर नोज स्टडी चेक करिए, उसके बाद लिप स्टडी करेंगे हम। और जो जैसी ड्राइंग है लिप्स में आप देखते होंगे, वेदर इट इज़ बॉयज़ लिप्स और गर्ल्स लिप्स, उसमें लाइंस होती हैं, वर्टिकल लाइंस होती हैं, उन लाइंस को भी आप शेडिंग में कवर करेंगे। अब जूम करने के बाद आपको दिख पा रहा होगा कि हमने शेडिंग किस तरीके से कर रखी है, स्किन पे भी हमने लाइट शेड किया है लेयर वाइज। आप स्किन को ब्लैंक ना छोड़ें कि सिर्फ हमने फीचर बना लिए और हमने स्किन को छोड़ दिया, नहीं, काम पूरा नहीं होगा। आपको स्किन पे भी काम करना है, आपको फीचर्स पे भी काम करना है, आपको हेयर्स पे भी काम करना है, सारी चीज़ों पर आप वर्क करेंगे। अब मैं ब्रश से मर्जिंग कर रही हूँ स्किन टोन को इवन करने के लिए, और ये थोड़ा सा मैंने और एक डेप्थ डाला, एक एज फैक्टर डालने के लिए। जब हम किसी पोर्ट्रेट में एज फैक्टर डालते हैं तो कुछ जो भी हमें लगता है कि हाँ यहाँ पर लाइंस होनी चाहिए, यहाँ पर मुझे एप्पल चिन के लिए मुझे थोड़ा सा डेप्थ देना है और मेरे को डिम्पल्स बनाने हैं, तो जो भी चीज़ें देनी आप उसको शेड के थ्रू करिए, बिल्कुल बिना डरे। और ख़राब लगेगा तो हम लाइट कर देंगे, कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये पोर्ट्रेट हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने की कगार पर है। अब बताना आपको कैसा लगा और आपको इससे कितनी हेल्प मिली। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप लोग मुझे बताएंगे ये चीज़ कि मैम पोर्ट्रेट में हमें ये सीखने को मिला। और प्लीज़ ट्राई करिए, प्लीज़ ट्राई करिए। और मैं तो ये सजेस्ट करूँगी यही पोर्ट्रेट मत ट्राई करिए, इस टेक्निक को माइंड में रख कर। मैंने बोला था ना एज फैक्टर, ये लो हमने हल्का सा एज फैक्टर डाल दिया, और इन दो लाइनों से ही अपने आप ये 20 से सीधे 30th में जंप कर गई। 20 साल से ये 30 साल का पोर्ट्रेट हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ टू लाइंस।
तो आप ये देखो कि लाइंस का, डेप्थ का कितना ज़्यादा यूज़ है पोर्ट्रेट में। जब आप अच्छे से पोर्ट्रेट स्टडी करेंगे, अच्छे से आप काम करेंगे, तभी आप ये सब चीज़ें समझ पाएंगे। और ये पोर्ट्रेट हमारा बिल्कुल कंप्लीट तो मैं नहीं कह सकती, सिखाने के लिए इट्स ऑलमोस्ट डन। हाईलाइट वगैरह मैं सोच रही हूँ थोड़ा और दे देती हूँ इसमें, तो मैं एंड में अगर हाईलाइटिंग के बाद मैं एक इसका स्टिल फोटो भी शेयर कर दूँगी आपके साथ। थोड़ा सा हम इसमें हाईलाइट दे देते हैं जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है विद द हेल्प ऑफ वाइट चारकोल, और जहाँ जहाँ भी मुझे लगता है, और एंड में आई विल शेयर द स्टिल फोटोग्राफ विद यू। एंड कंप्लीट होते ही जहाँ जहाँ पर भी मुझे ज़रूरत है मैं हाईलाइट दे रही हूँ। और ये देखिए, ओके, बस स्मजिंग करा, ब्रश से स्मज करिए, फिंगर से मत करिए, टिश्यू पेपर वगैरह का भी यूज़ कम करिए स्मजिंग करते हुए। एंड इट्स ऑलमोस्ट डन, लेट्स हैव अ लुक। थैंक फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और मुझे भेजते रहिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।